एक और एक ग्यारह में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। मीनाक्षी, एक और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, उस बड़ी खबर की बात कर लेते हैं। देश में सबसे ज्यादा चर्चा इस वक्त चीन को लेकर है। ये अपना पड़ोसी चीन आखिर चाहता क्या है, सवाल यही बना हुआ है, क्योंकि अपना सामान बेचने के लिए भारत का ये मुंह ताकता है, डोकलाम पर रोज रोज धमकी दे रहा है। आज ये धमकी चीनी सेना के प्रवक्ता की तरफ से आई है। सीधे तौर पर आर्मी को ये कहा गया है कि वो पीछे हटे, नहीं तो हम आगे बढ़ेंगे। और इतना ही नहीं, चीनी सेना ने यह भी कहा कि हमारे धैर्य की आप परीक्षा न लें, सब्र की भी एक सीमा होती है। पहली बार नहीं है कि चीन की तरफ से इस तरह का बयान आया हो, बल्कि इससे पहले चीनी राष्ट्रपति ने भी आर्मी डे पर भारत पर हमले की धमकी दी थी। बिल्कुल, और आपको ये भी बता दें कि चीन की शक्ति को लेकर गफलत ना पालें, तमाम बातें कही गई हैं चीन की आर्मी चीफ की ओर से। चीनी सेना की ओर से अब तक की सबसे बड़ी धमकी मानी जा रही है।